हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पैकिंग ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल्स। जो भी दोस्तों आपने टैबलेट और कैप्सूल्स की पैकिंग देखी है, उस पैकिंग का एक नाम है। बहुत सारे लोगों को दोस्तों इन पैकिंग के नाम पता नहीं है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन पैकिंग को क्या बोलते हैं और ये पैकिंग क्यों किया जाता है, इनके मटेरियल क्या है, और बहुत सारी जानकारी आपको इसके बारे में देने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइज आपको मैं बता दूं कि जो भी दवा आप मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं, चाहे वो टैबलेट हो या फिर कैप्सूल हो, वो जो पैकिंग होती है वो अलग अलग तरीके की टाइप की पैकिंग होती है। वो टाइप्स है ब्लिस्टर पैकिंग, स्ट्रिप पैकिंग, आलू पैकिंग और बॉटल पैकिंग। ये चार ही टाइप के पैकिंग्स होते हैं जिनमें ये दवा रखी जाती है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके हर पैकिंग के बारे में जानकारी देता हूँ। सबसे पहला है ब्लिस्टर पैकिंग। ब्लिस्टर पैकिंग आपको मोस्टली टैबलेट और कैप्सूल में देखने के लिए मिल जाएगा। ब्लिस्टर पैकिंग को बनाने के लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है उसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में है, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टीरीन या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका कॉम्बिनेशन पॉलीएथिलीन के साथ रहता है। इन सभी मटेरियल का इस्तेमाल करके ब्लिस्टर पैकिंग को तैयार किया जाता है। दोस्तों ब्लिस्टर पैकिंग का जो कॉस्ट मटेरियल है काफ़ी कम होता है कंपेयर अदर पैकिंग से। अब हम बात करेंगे स्ट्रिप पैकिंग की। तो दोस्तों स्ट्रिप पैकिंग भी आपको टैबलेट और कैप्सूल दोनों में देखने के लिए मिल जाएगा। स्ट्रिप पैकिंग को बनाने के लिए जिन मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है उसमें फॉइल लैमिनेशंस, पेपर, पॉलीएथिलीन, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। स्ट्रिप पैकिंग दोस्तों पहले काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता था, लेकिन अब धीरे धीरे स्ट्रिप पैकिंग अब कम हो गया है। उसके बाद तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पैकिंग है, वो है आलू पैकिंग। आलू पैकिंग काफ़ी महंगा है कंपेयर स्ट्रिप पैकिंग और ब्लिस्टर पैकिंग के, क्योंकि आलू पैकिंग में आपको एल्युमिनियम का जो फॉइल है वो आपको दोनों तरफ देखने के लिए मिलेगा, ऊपर के साइड भी और लोअर साइड भी। दोस्तों आलू पैकिंग बिल्कुल ब्लिस्टर पैकिंग की तरह सेम है, लेकिन यहाँ पे एक ही डिफरेंस है कि जहाँ पे आपको ब्लिस्टर पैकिंग में आपको प्लास्टिक मटेरियल इस्तेमाल हुआ दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे आपको उसके जगह पे एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल किया हुआ दिखाई देगा। आलू पैकिंग का कॉस्ट भी कंपेयर ये दोनों से ज़्यादा होता है। आलू पैकिंग क्वालिटी के मामले में इनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है बॉटल पैकिंग। बॉटल पैकिंग दोस्तों बहुत कॉमनली इस्तेमाल हुआ आज के समय फार्मास्यूटिकल कंपनी में, जिसमें लिक्विड के साथ टैबलेट और कैप्सूल भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इस मटेरियल को बनाने के लिए भी पॉलीप्रोपिलीन स्क्रू कैप, इसके अलावा एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस ये चार तरीके के पैकिंग थे जिसमें टैबलेट और कैप्सूल आज के समय में इस्तेमाल करके रखे जाते हैं। तो गाइस अगर आप नेक्स्ट टाइम से किसी मेडिकल स्टोर पर कोई दवा खरीदने जा रहे हैं तो एक बार जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जो दवा खरीद रहे हैं वो कौन से पैकिंग में है। तो दोस्तों जैसे छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। इसके अलावा आप मेरी और भी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। तो चलिए आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।